12 वर्षीय बेटी स्नेहा के आंख के ऑपरेशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे चौगांव सीना निवासी विजय टमटा को फड़ कल्याण समिति का सहारा मिला है। फड़ कल्याण समिति ने इलाज के लिए विजय टमटा को सहयोग राशि सौंपी है। समिति ने स्नेहा के इलाज के लिए सहयोग राशि जुटाने के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने बताया कि स्नेहा बचपन से ही आंख की परेशानी से जूझ रही है। कई अस्पतालों में चेकअप के बाद अब स्नेहा का दिल्ली एम्स में ऑपरेशन होना है, जिसमें भारी भरकम खर्च आना तय है। फल कल्याण समिति के अध्यक्ष किशन राम व सचिव भीम कुमार ने स्नेहा के इलाज के लिए लोगों से मदद करने की अपील की है। देखिए, ये हमारी एक बहन है जो चौगांव सीना में रहती है और बहुत समय से इनकी जो आंखों में दिक्कत थी, जो आंखों में इनका इन्फेक्शन था, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी ये जानकारी मिली कि ये बहुत गरीब परिवार है इनका और इनके पिताजी जो हैं मजदूरी करें किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो हमको ऐसी ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली और हमने अपने फल कल्याण समिति जो हमारी बागेश्वर में है, जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं, कोई फल या ठेले में अपना कोई मूंगफली बेचता है, कोई अन्य सामग्री बेचता है, छोटे छोटे व्यापारियों के माध्यम से, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 50 दिए, उन लोगों के माध्यम से जो भी हमसे बन पाता था, जो भी हमसे होता था, हमने वो धनराशि इकट्ठा करके आज इनको यहाँ पर सुपुर्द की है। और हम ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा बागना जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और इसके अतिरिक्त आगे भी जो भी हमसे इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हो पाएगा हम करेंगे। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भी बागेश्वर के सभी लोगों से, सभी समाज सेवियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में हमारी बहन की मदद करें, इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आगे आएँ और मदद करें। मैडम, ये तो क्या कहते हैं, जब पैदा हुई थी उसके 10-12 दिन के बाद खाली थोड़ा सा दाना हुआ था सर, उसके बाद जितनी हमारे पास औसत थी हमने यहाँ से ऑल इंडिया मेडिकल तक इलाज कराया, पहले भी वो कराया, यहाँ तक कि इसकी मम्मी का जेवर भी हमारा एएमसी में बिक गया था इसके इलाज के, उसमें तो आज हम इतनी दयनीय स्थिति में हमारे कि हम आगे को इसको दिखा नहीं पा रहे। ये सभी लोगों का सहयोग है कि आज हमको एक मतलब सहारा मिला है मेरे को इस बच्चे को आगे दिखाने के लिए। वैसे भी 5 लड़कियां हैं मैडम मेरी, क्या कहते हैं, सबसे बड़ी लड़की है ये, अभी क्लास में भी जाती है, हम हर दिन दुख झेल रहे हैं इसके लिए। तो यही फिलोसफी से कहते हैं दुआ करता हूँ मेरे को मदद करे इसके बच्ची का, सभी अपनी बच्ची है, माननीय विधायक जी से भी मिल के आया, उनने भी मेरे को आश्वासन दे रखा है कि जितना तक का होगा, ये 1.5 लाख तक का होगा तो हम अपने तरफ से करेंगे, नहीं तो और एन जी ओ द्वारा हम कैसे करवा के इसका इलाज करवाएंगे करके उनने भी मेरे को आश्वासन दिया है। डॉक्टरों का ये कहना है कि मैडम क्या कहते हैं इसकी सर्जरी हो सकती है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके लिए खर्चा भी आएगी, उनने ऑल इंडिया मेडिकल के लिए रेफर कर रखा है दिल्ली एएमसी के लिए, तो एक आध हफ्ते में मैं वहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैडम। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।